हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हमारी टीम आई हुई है भोला जी की दुकान पर। इनकी छोले को आज ट्राई करने वाले हैं दोस्तों। इनका छोला सुने हैं बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और यहाँ पे ये 3 से 4 साल हो गए दोस्तों इनका स्टॉल यहाँ पे लगाते हुए। तो भोला जी के छोले जो हैं दोस्तों बहुत ही दूर दूर तक फेमस हैं। तो ये क्वांटिटी में दोस्तों सुबह लेके आते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और शाम होते होते इनका लमसम 4 बजे तक इनका छोला ख़त्म होकर ये बेचकर घर चले जाते हैं। तो इनका दोस्तों रोज का यही काम रहता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसेज में यहाँ पे पैक करा के ले जाते हैं। ये जैसे कि पैकिंग हो रही है, आप देख सकते हैं इनकी स्पीड किस प्रकार से ये काम करते हैं अपने। यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही, इनकी चटनी जो है दोस्तों इमली की बनी होती है, सिर्फ खट्टी चटनी। इसके साथ आपको यहाँ पर प्याज मिल जाएगा, मिर्च, हरी धनिया और नींबू के साथ ये मिक्स करके आपको फुल प्लेट। इनका छोले का प्राइस जो होता है दोस्तों 10 रुपीज़ फुल प्लेट। यहाँ पे दोस्तों पैकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हरे पत्ते में बिल्कुल कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो हरे पत्ते में ये अपना जो है छोला यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार किया गया हमारी टीम के द्वारा, उसके बाद हमारा नंबर आया। ये नींबू दोस्तों, ये दोस्तों इनका जो एड्रेस है, ये परिवहन विभाग के कार्यालय के जस्ट सामने ये इनकी दुकान पड़ती है, और थोड़ी दूर आगे जाएंगे लालगंज साइड में तो वहाँ पे हाईवे आपको मिल जाएगा। इनका एड्रेस देख सकते हैं, लालगंज अजहरा जलेसरगंज रोड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। जब भी यहाँ दोस्तों ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पर दोस्तों अभी भी पैकिंग जारी है, तो हमको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ये दोस्तों इनकी प्याज काटने की स्पीड आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है तेजी से। तो ये स्पीड जो है दोस्तों काफी दिनों से काम करते हुए इन्होंने अपनी स्पीड को बनाई है। ये दोस्तों आपको सीजन वाइज मूली का मिल जाएगा मिश्रण, प्याज का मिल जाएगा, टमाटर वगैरह भी मिक्स करते रहते हैं, तो आप आवश्यकता अनुसार कुछ भी मिक्स करके छोले का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी भी पैकिंग जारी है, इसके बाद हमारा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारी प्लेटिंग होगी। ये छोले आ गए ताजी एकदम गरम, उसके बाद ये मसाला आ गया जो कि घर से बनाया हुआ होता है, ये नमक आ गया और ये चटनी आ गई, और ये छोले आप देख सकते हैं बिल्कुल खत्म।